नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ सिर्फ एस्ट्रो तक पर, इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर। तो खास बात और पते की बात, क्या आप जानते हैं संत महात्माओं के चित्र भी दूर कर सकते हैं वास्तु दोष? जी हाँ, आइए इस बारे में हम जानकारी लेते हैं। हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो अपने जीवित रहते ही हजारों लाखों लोगों के अंदर अपनी पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर देते हैं। उनमें से अधिकतर लोगों को एक ज़माने में हम ऋषि मुनि कहा करते थे और एक ज़माने में, आज के ज़माने में हम संत मुनि कह देते हैं, संत महात्मा कह देते हैं, क्योंकि अब ऋषि मुनियों का तो समय रहा नहीं। लेकिन सच्चा संत और महात्मा वो है जो सदगुरु है। सदगुरु मतलब सच्चा गुरु, किसी व्यक्ति विशेष से हमारा सदगुरु कहने का अर्थ बिल्कुल नहीं है। सतगुरु का मतलब ही यही है, सत्य गुरु, यानी कि जो सच्चा गुरु हो, जिसको किसी प्रकार की आपसे लालसा ना हो, वो सच्चा गुरु है। हर जना संत नहीं हो सकता, बिकॉज संत होने से पहले आपको बेरागी होना पड़ता है। आपके अंदर कोई राग ना हो, कोई द्वेष ना हो, आपके अंदर कोई अहंकार ना हो, आपके पास जो पंच महाकार है उनसे आप मुक्ति पालें, तो आप संत की श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसे संतों का मिलना मुश्किल है, लेकिन कुछ एक संत पूर्व में भी हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से संत महात्माओं के फोटो भी दूर करते हैं वास्तु दोष, और कुछ आपको चीज़ें भी बताऊंगा कि संत महात्माओं के जो फोटो हैं वो वास्तु दोष भी पैदा कर देते हैं कभी कभी। आइए जानते हैं कैसे। अमूमन मैंने अपने बहुत सारे सैकड़ों वास्तु विजिट्स के दौरान एक चीज़ देखी है, और वो ये देखी है कि लोगों के मंदिर के अंदर उनके गुरुओं की, उनके जीवित गुरुओं की फ़ोटो वो रख देते हैं, जो सरासर गलत है। कभी भी ऐसे व्यक्ति की फ़ोटो ईश्वर के साथ में नहीं रखनी चाहिए जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया है, क्योंकि सारे विकार उसके अंदर हो सकते हैं, अपितु होते हैं, क्योंकि किसमें भी मद, मोह, लोभ ये अगर भाव हैं और उसकी इंद्रियां अगर उसके वश में नहीं है तो ये उसके विकार हैं, और ऐसे विकारों को पूजा घर में जगह देना अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत है। मूलतः ऐसे कुछ लोग जो हमारे जीवन में पॉजिटिव वाइब्स फैलाते हैं, जो माँ के गर्भ से तो पैदा हुए हैं लेकिन उन्होंने जीवन भर अपने पॉजिटिव वाइब्स फैलाई हैं, ऐसे लोगों का चित्र अगर हम अपने घरों की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और वो एनर्जी चार्ज हो जाती है। जैसे पिछले कई दिनों में कलयुग में बहुत सारे संत भी हुए हैं, उनमें से साईं भी एक हैं, उनमें से गोस्वामी तुलसीदास जी भी एक हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनमें से मीरा भी एक है, रैदास भी एक है, वो लोग जिन्होंने सत्य की वाणी दी है और जो संत हैं, जो गुरु हैं। ऐसे लोगों की पिक्चर आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ा देती है, आपके जीवन में पॉजिटिविटी का संचार करती है, साथ बसाथ के अंदर आपके वायु दोषों का भी परित्याग कर देती है, आपके वायु दोषों को भी समाप्त कर देती है। लेकिन कौन सी ऐसी दिशा है जहां में हम संतों और महात्माओं की फ़ोटो को लगा सकते हैं? घर की उत्तर पश्चिम दिशा एक ऐसी दिशा है जहां पर आप जीवित या मृत संत महात्माओं के पिक्चर को लगा सकते हैं। लेकिन एक बात को बिल्कुल ध्यान दिया जाए कि इन संत महात्माओं के पिक्चर की पूजा ना करें, क्योंकि पूजा का अधिकार एकमात्र परमेश्वर का है। इसलिए किसी भी प्रकार का पूजन बिल्कुल ना करें, क्योंकि पूजन निषिद्ध माना गया है। ऐसे केसेस के अंदर ऐसे संत महात्माओं की पिक्चर को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाना वास्तु दोष को कम कर देता है, और सर्वदा कम जो हो जाते हैं वो वायु के दोष कम हो जाते हैं। साथ बसाथ के अंदर जो आपके दिवंगत गुरु हैं, दिवंगत गुरु जिनसे आपने प्रॉपर दीक्षा ली हुई है, अगर ऐसे गुरु हैं तो भी उनका फोटो आप
घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं, अपितु इन फोटोओं को कभी पितरों के साथ में नहीं लगाया जाता और ना ही इन फोटोज़ को कभी भी मंदिर में रखा जाता है। ऐसे फोटोज़ को जो आपके गुरु हैं या गुरु रहे हैं और वो दिवंगत हो गए हैं, ऐसे लोगों के फ़ोटो को आप घर की उत्तर पश्चिम दिशा में रखें। कैसा रंग हो और कैसा शेड हो, हमेशा कोशिश करें कि इन लोगों का जो फ़ोटो हो वो वाइट वस्त्रों में मिल जाए, सफ़ेद वस्त्रों में ऐसा फ़ोटो मिल जाए। साथ ब साथ के अंदर एक बार और कोशिश करें कि इनके चारों तरफ का जो फ्रेम हो वो स्टील फ्रेम हो, कभी भी गोल्डन ग्रीन रेड फ्रेम में ऐसी फ़ोटोएँ नहीं रखी जाती। सबसे ख़ास और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि क्या हम एकाध बार इनकी उपासना कर सकते हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार से पितरों की उपासना अमावस्या पे की जाती है उसी प्रकार गुरुओं संत और महात्माओं की जो पूजा अर्चना है वो पूर्णिमा के दिन की जाती है, क्योंकि गुरु को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। इसी कारण से पूर्णिमा के दिन गुरु की और संत महात्माओं की पूजा उपासना की जा सकती है, और इनके पूजा उपासना में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सफ़ेद फूल, साथ ब साथ में दूध और गाय का घी। जिस प्रकार पितरों के निमित्त तिल के घी का महत्व है, उसी प्रकार गुरु संत महात्माओं के प्रति गाय के घी का महत्व है। इसके साथ साथ इनकी पूजा में आप हमेशा श्वेत वस्त्र ही धारण करें और कोशिश करें कि सूती वस्त्र पहनकर धारण करें, क्योंकि गुरु को किसी भी प्रकार की लालसा नहीं होती है। इसी प्रकार रेशमी वस्त्र, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के बिल्कुल भी इसमें प्रयोग में नहीं लाने चाहिए। अब बहुत खास और इम्पॉर्टेंट बात, वास्तु दोष कैसे दूर करती हैं? देखिए, किसी भी महापुरुष संत महात्मा की फ़ोटो के अंदर जो पॉजिटिव वाइब्स हैं उस दिशा की एनर्जी को ठीक कर देती हैं। जब आपके घर में नॉर्थ वेस्ट कोने की वास्तु के हिसाब से डायरेक्शन ठीक हो जाती है तो आपका आर्थिक क्षेत्र बहुत मजबूत हो जाता है और आपके पर्सनल संबंध जो हैं वो बहुत बेहतर हो जाते हैं, और अगर कोई व्यक्ति मनोविकार से पीड़ित है तो मनोविकार से उसको मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा इसे आप और कहाँ कहाँ लगा सकते हैं और कैसी फ़ोटो होनी चाहिए? देखिए, फ़ोटो ऐसी हो जो आपके बैठक में लग जाए, जहाँ पर आपका ड्राइंग रूम है वहाँ लगी हो, वहाँ सर्वश्रेष्ठ फल देती है। साथ ब साथ के अंदर दिवंगत हों और आशीर्वाद देते हों, यानी कि ब्लेसिंग देते हों, तो निश्चित रूप से आपको ये बहुत फ़ायदा देता है। तो फ्रेंड, जाने से पहले मैं आपको दूंगा आज का वास्तु टिप। अगर आप भी बहुत मेहनत करने के बाद में फल नहीं ले पा रहे हैं तो आप एक बहुत छोटा सा काम करें, आप अपने घर या दुकान या फैक्ट्री के अंदर काले श्री कृष्ण की, जिसके अंदर श्री कृष्ण का वर्ण काला हो, ऐसी फ़ोटो घर की पश्चिम दिशा में लगाएं और हर शनिवार उस पर लोहबान से धूप करें और उस पर एक मोर पंख ज़रूर लगाएं। निश्चित रूप से आप लाभान्वित ज़रूर होंगे और आपका काम चल पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें अश्रोतक। नमस्कार।